अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। ये ले जी, आज आपके लिए एक मज़ेदार किस्म की चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। जब आप बनाएंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो चलें जी, जल्दी से हम देखते हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या जाएंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने इनको लिख के भी मैंशन कर दिया है, जितनी जितनी जो जो चीज़ है, और मैं साथ आपको बता भी देती हूँ। आप ये स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और फिर इसको बना लीजिएगा। सबसे पहले जी, हमने 1 kg चिकन लिया है और इसको धो लिया अच्छे तरीके से। धोने के बाद इसको एक प्लेट में रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, प्याज आपकी मर्ज़ी है, एक ज़्यादा भी कर सकते हैं। 5 से 6 इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, 1 गट्ठी इसमें लहसुन और 3 इंच का टुकड़ा अदरक का जाएगा इसमें। और जो इसमें स्पाइसेस हैं, इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा नमक, या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक 1 स्पून जाएगा इसमें लाल मिर्च पिसी हुई, 1 स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 स्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, 1 स्पून जाएगा इसमें सूखी मेथी, 1 स्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ और ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पिसा हुआ 1 स्पून। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप देख लें अच्छे तरीके से, इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें। जब आप बनाने लगें तो आपको भूलें ना कोई भी इंग्रेडिएंट्स, यही होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं जी इसकी कुकिंग की तरफ, हमने इसको कुकिंग कैसे करनी है। सबसे पहले जी, हमने करना है एक अच्छी सी कढ़ाई ले लेनी है और उस कढ़ाई में तकरीबन हमने 1 कप ऑयल डालना है। ठीक है, 1 से या थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं जी लहसुन और अदरक, उसको हमने फ्राई करना है। लहसुन अदरक फ्राई करने से ये होगा कि एक बड़ी अच्छी सी इनकी खुशबू आ जाएगी और बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देने हैं प्याज को, रफली काट लीजिएगा क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको पतला पतला काटना है, या बस रफली आप जैसे मर्जी इसको काटना है, हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर हमने इसका पेस्ट बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने प्याज़ों को 7-7 चम्मच ज़रूर हिलाते जाना है ताकि इसमें कोई ये लगे ना नीचे से। ये देखिए इस तरह से पहले इसका हल्का हल्का सा पिंक कलर आएगा, पर हमने इतना कलर लाना है कि जैसे थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश सा आ जाए, मतलब डार्क ब्राउन आए, थोड़ा थोड़ा साइड्स जो हैं इसकी वो ब्राउन होना शुरू हो जाए, इतना कलर लेके आना है। अभी हमने इस स्टेज पे हरी मिर्चें नहीं डाली क्योंकि अगर हरी मिर्चें डालेंगे तो वो एक जल्दी से पटाखे मारना शुरू कर देती हैं। तो हमने जब ब्राउन हो जाए, प्याज होना शुरू हो, तो 2 मिनट पहले हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। अगर आप पहले डालेंगे तो फिर आप इनको बाहर निकाल लीजिएगा, तो मैंने बाद में डाली थी, तो इससे ये होगा कि इकट्ठा ही जब मैं प्याज बाहर निकालूंगी तो फिर हम इसको इकट्ठा ही निकाल लेंगे और इसका पेस्ट भी बना लेंगे। अब हमने यहाँ पे हरी मिर्चें सबके साथ इसको प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है प्याज़ों का, तो इसको हमने 1-2 मिनट के बाद और फ्राई करने के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसका फिर या ब्लेंडर में, ये देखिए इस तरह से मैंने ये निकाल लिया, इस तरह से छान लिया, तो फिर बाद में हम इसको किसी ब्लेंडर में या किसी हैंड ब्लेंडर जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें हमने इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए मैंने ये एक बाउल में निकाल लिया। अब मेरे पास क्योंकि हैंड ब्लेंडर है तो मैं उससे इसको पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए यहाँ ज़बरदस्त किस्म का एक पेस्ट रेडी है। थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा अगर आपको गाढ़ा लगे तो, हमने इसका पेस्ट बना लेना है। अब क्या करना है जी, वही जो बचा हुआ ऑयल था उसमें हमने चिकन है उसको डाल देना है और उसको हमने फ्राई करना है। चिकन बड़ा अच्छे से तरीके से फ्राई करना है, जितना अच्छा चिकन फ्राई होगा कढ़ाई का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए जी यहाँ पे हमने इसको चिकन को फ्राई करना है। ये देखिए कितना प्यारा इसका एक ब्राउन सा कलर, लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस तरह का कलर आ जाए तो फिर हम इसके अंदर वो जो पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें शामिल करेंगे। इससे ये होता है कि ये देखिए यहाँ पे हमने इसका पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब हमने इसको 1-2 मिनट के लिए भूनना है, सिर्फ ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्याज वगैरह सब कुछ भुना हुआ है, चिकन भी भुना हुआ है, फ्राई हुआ हुआ है, तो ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये होता है कि एक तो चिकन की स्मेल नहीं आती, कच्चे मसाले की स्मेल नहीं आती और बहुत मज़ेदार अच्छी सी बल्कि खुशबू आ रही होती है स्टेज पर। ये देखो इसको 1-2 मिनट करने के बाद अब हमने जो स्पाइसेस हैं वो सारे इसमें शामिल कर देने हैं। आप जब इसको बनाएंगे तो आपके घर में बहुत खुशबू भी आ रही होगी और सबका दिल चाह रहा होगा कि बस जल्दी से बने और हम खा लें। इतनी माशाल्लाह मज़ेदार ये चिकन कढ़ाई बनती है, आपने ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है।
और जब ट्राई कर लेंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने जिस बनाई और जिस जिसने खाई उसको बहुत पसंद आई। ये देखें जी, यहाँ पे अब हमने इस स्टेज पे एक कप या एक प्याली इसमें दही डाली और उसको हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम के लिए रख दिया था। और ये देखें मज़ेदार किस्म की चिकन कढ़ाई, इसमें हरा धनिया और अदरक डाल के इसको आप सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है। चलें जी जनाब, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।